अगर आपके पास कोई गाड़ी है जैसे कि टू व्हीलर फोर व्हीलर, आपकी गाड़ी का चालान कट जाता है और उस अमाउंट को आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं एसकेटी और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चालान का अमाउंट ऑनलाइन कैसे पे किया जाता है। तो वीडियो का लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, उम्मीद है कुछ नया सीखेंगे आप। वीडियो पूरा देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चालान का अमाउंट ऑनलाइन पे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है ई चालान, और आप जो भी स्टेट से रहते हैं उस स्टेट का नेम टाइप करेंगे। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं यहां पे टाइप किया हूं ई चालान महाराष्ट्र। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला आता है व्हीकल नंबर और दूसरा आता है चालान नंबर। जब भी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का चालान काटता है तो आपको चालान नंबर देता है। अगर आपकी गाड़ी का चालान नंबर नहीं है तो व्हीकल नंबर के जरिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ व्हीकल नंबर पे। यहाँ पर अपने गाड़ी का नंबर टाइप करेंगे, आपके व्हीकल का जो भी नंबर है यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर अपने गाड़ी का लास्ट का फोर डिजिट का चेसिस नंबर या इंजन नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर एक कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से इमेज देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान क्यों कटा है, रीज़न क्या है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चालान की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा इमेज, इमेज पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके गाड़ी का चालान क्यों कटा है। यहाँ पर आपको रीज़न शो करेगा, यहाँ पर अमाउंट शो करेगा, यहाँ पर चालान नंबर शो करेगा, यहाँ पर डेट एंड टाइम शो करेगा, यहाँ पर ड्राइवर का नेम शो करेगा, यहाँ पर व्हीकल नंबर शो करेगा, यहाँ पर लाइसेंस नंबर शो करेगा, यहाँ पर आप पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप पेमेंट कर दिए हैं तो यहाँ पर पेड शो करेगा, अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो यहाँ पर अनपेड शो करेगा। अगर आपको चालान का अमाउंट पे करना है तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पूरा सेलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ई चालान पे पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लेंगे और आई एग्री का यहाँ से टिक लगाएंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा अमाउंट शो करेगा, आपको कितना अमाउंट पे करना है। जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है 4100। यहाँ से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। आप यहां से बिलडेक्स के जरिए पे कर सकते हैं, एसबीआई के जरिए पे कर सकते हैं। तो मैं अभी पे करूंगा बिलडेक्स के जरिए, तो बिलडेक्स पे क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, अगर आप अदर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप वॉलेट के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो वॉलेट पे क्लिक करेंगे, अगर आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, आप यहाँ से इसको स्कैन करेंगे और ऑनलाइन पे कर देंगे। अमाउंट सक्सेसफुली पेड हो जाने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगा, उस रसीद को आप सेव करके रख लेंगे या फिर प्रिंट करके रख लेंगे। अमाउंट सक्सेसफुली पेड हो जाने के बाद आपको स्टेटस में यहां पर पेड शो करेगा। इस तरह से आप ऑनलाइन चालान का अमाउंट पे कर सकते हैं।